मुझे छोड़ा है पार्लर, मेरे बाल वाइट निकले हुए हैं। ठीक है, ओके, छोड़ा था मुझे तो नहीं वाइट लग रहा। रूट्स वाइट है। और फिर शाम को कहीं चले, चाय शाय पीने? अगर आपका दिल है, मेरा तो है, आज संडे चाय है। खाना चलते हैं। चाय खाना, इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस एंड वी कैन प्ले चेस अच्छा नहीं, चेस तो खैर हम खेल लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत शुगर वुगर कर लेंगे। अच्छा चले ठीक है, फिर मैं आती हूँ फटाफट, एंड देन थोड़ा सा काम है घर का, ठीक है, और फिर चलते हैं। ओके, लेट्स गो। फुल हेड है मैम आपका? फुल फुल हेड, मसाला तैयार हो रहा है जी। अब काम शुरू हो गया डाय लगने का। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और शाजिया ने ये एंकलेट पहना हुआ था। तो मैंने इसकी तारीफ की और शाजिया ने मुझे दे दिया, एंड आई लव इट। थैंक यू शाजिया। चीज़ें तैयार, गोश्त को अच्छी तरह से धो दो, मैं आती हूँ। छुट्टी का दिन, थोड़ी डस्टिंग करेंगे, डस्टिंग में इस्तेमाल हो रहा है, साथ कोई कोई कुकिंग कर लेते हैं, फिर कहीं बाहर का चक्कर लगा लेंगे। आज संडे है, हाँ। संडे को यही रूटीन चलेगी। मैं कहा शाम को जाके ना उधर आराम से, आराम से जरा टाइम भी गुजारेंगे, है ना, थोड़ी चेंज हो जाएगी। पेट अपसेट था कल, आज बहुत बेहतर है। और पहले मैंने सोचा था गर्मियों के कपड़े निकाल लूं, लेकिन फिर थोड़ी तबीयत जरा डाउन थी, कल या परसों निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल आपसे वो शेयर करूंगी अपने, या परसों। गर्मियों के कपड़े, समर क्लोथ्स निकालना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं थोड़ी सी सोचती हूँ कि डस्टिंग कर लूँ, ये वाला एरिया साफ करती हूँ, और साथ साथ आप लोगों से बातचीत करती हूँ अबाउट रमजान। तो रमजान भी सर पे, रमजान तो आ गया भाई, बड़े ऐसा लगता है जिसने कल ही रमजान गुजरा, दोबारा आ गया। हाँ, दोबारा मुझे उसकी थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी करनी होगी। ठीक है, और इस दफा शुक्र है कि इतनी गर्मी नहीं होगी रमजान में। गुड थिंग इज कि अच्छे मौसम में रमजान आया है, और अल्लाह ताला सबका रमजान अच्छा गुजरे। मुझे तो सच्ची बात है कि ठीक ठाक रोजा लग जाता है, क्योंकि साथ काम भी करना होता है, और नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है। और इबादत में ये है कि वो मतलब नमाजें अपनी पूरी पढ़ें, और तरावियां, और जितने भी पढ़ सकते हैं पढ़ें, तलावत करें। बाकी उसके अलावा और कोई थोड़े रेजोल्यूशंस होने चाहिए कि यार गुस्सा नहीं करना, क्रैंकी हो जाता है बंदा, है ना, बड़ा गुस्सा आता है लोगों को जो ही भूख लगती है। ये नेचर है, आप देखिए ना, एक बच्चे को जब भूख लगती है तो वो कितना क्रैंकी सा हो जाता है, तो इंसान बड़ा, और उसको दूध देते हैं तो कितना खुश, और वो इब्राहिम को देखा दूध वगैरह पी के कैसा टुन होके खुश हो रहा होता है। और रोजा इसीलिए बनाया है कि हमारे अंदर यू नो हम अपने आप को कंट्रोल करके सबर, लेकिन जैसे माँ को प्यार आता है ना, जैसे इब्राहिम रोता था दूध के लिए, तो अल्लाह को भी हमारे पे बहुत प्यार आता होगा इंशाल्लाह। जब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को सारा दिन भूखा रखते हैं, तो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और ये लोग जो कहते हैं ना कि बड़ी इबादत करनी चाहिए रोजों में, रमजान में बड़ी इबादत करनी चाहिए, रोजे में जब इंसान चला जाता है तो वो इबादत में ही चला जाता है। रोजा इटसेल्फ इज एन इबादत। यस, रोजे में अगर आप सो रहे हो तो उसका भी कितने सवाब मिल रहा होता है। रोज क्योंकि उसके रिजल्ट में बहुत सारे फायदे होते हैं, विच इज अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग इटसेल्फ इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और काफी सारे मैंने तो लेक्चर ही दे दिया उठा के। अच्छा, अरे मैं ये सोच रही थी कि लोग मुझे कह रहे थे एक और चैनल बना लें मेडिकल एडवाइजर्स का, तो रोज के व्लॉग में एक मेडिकल टिप हुआ करेगी। हाँ, दैट इज बेटर, ताकि मेरा कोई फायदा भी हो, डिस्कशन हो जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स भी बिल्कुल आप लोगों की तरह आम इंसान होते हैं, हमें भी उसी तरह रोजा लगने लग जाता है, हमें भी उसी तरह बीमारी, वी फील सैड समटाइम्स, वी फील डिप्रेस्ड, और बहरहाल लेकिन हमारे साथ ही रहें और एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। अब रमजान की रूटीन भी मैं एक पूरा व्लॉग बना दूंगी कि हमारी रमजान की रूटीन क्या रहेगी, उसके व्लॉग्स आते रहेंगे। मैं जब उस दिन अकाउंट कर रहा था
पता नहीं क्या वजह थी, वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो यू नो हमारे इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली, बहन भाई बच्चे उनके स्पाउसेस, टोटल डॉक्टर्स जो हैं 17 डॉक्टर्स हैं अकाउंटेड जी, माशाल्लाह माशाल्लाह 17 डॉक्टर, जिसमें जिसमें कोई 1/4 से भी ज्यादा स्पेशलिस्ट्स हैं। देखो ना, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है। मैं फिर डस्टिंग कर रही हूँ, ये देखें, ये मेरी अम्मी अम्मा की तस्वीर है। या माशाल्लाह, हो गया फोकस। हाँ बिल्कुल। तो और ये मैं जब मैं काफी जवान थी, लेकिन मैं कितनी अजीब उल्लू लग रही आई लुक हॉरिबल। ये देखें, जवानी में ना इंसान अजीब स्टूपिड सा मासूम होता है, जो मैं अब नहीं हूँ। अभी मैं बिल्कुल मासूम नहीं हूँ। नहीं, आदमी जैसा होता है उसी तरह रहता है सारी उम्र। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों वैसे काफी मासूम हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्रुक नहीं है, क्रुक नहीं है, ठीक है ना, और बेवकूफ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस और क्या चाहिए, खुदा खौफी होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका करम है बड़ा। तो ओए शिट, ओ क्रैप, शिट नहीं कहते आजकल, कहते हैं ओ क्रैप। तो ये चीज नहीं तुमने बताई भाई, ये देखो ना, मुझे ये यू गॉट दिस फ्रॉम कनाडा, यार रिमेम्बर क्या, ये दिस वन फ्रॉम कनाडा, और दिस थिंग, ये क्यूटी फ्रॉम कनाडा, दिस वन फ्रॉम, ये है क्या मुझे, ये दिस याद है, यस, ये वंडर, वो हाइट लेते थे और मरियम वाज सो यंग, छोटी के वैसे वंडरलैंड, ये रशियन है, ये सारी जो है ना, द डॉल्स आर देयर, रशियन डॉल्स, रशियन डॉल्स अब आजकल जो है वो दे आर अटैकिंग यूक्रेन, दीस आर वेरी खतरनाक रशियन डॉल्स। नहीं, रशियन पीपल आर नॉट दैट बैड, मैं थोड़ी कुकिंग कर लेती हूं, ठीक है, और फिर हम देखते हैं। ओके, ये सफाई के बाद एक फाइनल साफ सुथरी सी लुक। अब इसी तरह मैं अपना बाकी कमरा भी साफ कर लूंगी। अभी क्या कुकिंग हो रही है, आज संडे है ना, चिकन मटन अचार मसाला, मटन अचारी, मटन अचारी कहते हैं। ओके, और इसमें बस थोड़ा सा इसका प्रोसीजर, रेसिपीज जो है वो मैं बाद में डिटेल में दे दूंगी, लेकिन प्याज ब्राउन करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल, लेकिन प्याज ब्राउन करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसमें मटन डाल के पहले तो हम उसको गलने के लिए रख देंगे, और वंस इट इज गल जाएगा तो फिर इसको हम भून लेंगे। ठीक है, ठीक है ना रानी जी, आ जाओ, भून लीजिए जी। बड़ा एक अच्छा किस्म का, ये देखिए मैं इसको क्लोजअप दिखा दूं, गुड मीट है ना। हाँ, ये मैं लाया था जी। हाँ, तो ये देसी बकरे का गोश्त है, इसको हम मसाले में भूनेंगे, फिर हम थोड़ा सा नॉर्मल मसाला डाल के उसमें हम थोड़ा सा अचार मसाला डालेंगे, फिर ग्रीन मिर्चों को कट दे के उसमें थोड़ा अचार मसाला भरेंगे और दम दे देंगे। ठीक है, प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं देखिए, तो अब इसमें डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, डाल दें। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे नमक, पहले एक चम्मच डाल दें, आधा चम्मच हल्दी, बस और थोड़ा सा इसको भी भून के फिर हम इसमें पानी का छींटा मार देंगे, थोड़ा सा और रेड हो जाए मसाला हमारा, हो गया लाल। अब डलेगा बीच में गोश्त,
ये ग्लास पानी इसको मैं संभलाएंगे, एक ग्लास पानी, और इसको मैं तकरीबन दे दूंगी थोड़ा सा प्रेशर, ठीक है ना, 7-8 मिनट के प्रेशर में ये गल जाता है। ये अच्छा मटन है, देखेंगे इसको हम मिर्चों को भर के ये चाट मसाले से रख लेंगे, और एंड में जब हमने हमारा गोश्त भुन जाएगा तो हम दम देंगे इन हरी मिर्चों का, मज़ा ही आ जाना है ना जी बाजी, खट्टी खट्टी। ये इस तरह से हम ये 4-5 मिर्चें, ज़्यादा जिसने खानी है वो ज़्यादा खा ले, बस रानी थोड़ा थोड़ा ही डालो मसाला, बहुत ज़्यादा फिर मिर्चों वाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त तो हमारा बहुत ही अच्छा गल गया, और ये मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन 8-9 मिनट्स प्रेशर दिया है, और फिर मैंने इसमें उल्टा लिया। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से ली है, तो ये मैंने एक स्ट्रीट पे जा रहा था बेचता हुआ मिट्टी की चीज़ें, तो मैंने उससे ली थी, और उसने मुझे 1000 रुपीज़ कहा था। मुझे लगता है कि शायद पता नहीं इतना महंगा ना हो, लेकिन मैंने बर्गेनिंग नहीं की और मैंने ले लिया। तो इसके अंदर अभी पानी है, ये ड्राई होगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे अचार मसाला, अचार गोश्त मसाला और लाल मिर्च। मैं प्रटेंड कर रहा हूँ कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मगर मैंने नहीं बनाया, मगर मैं इस हफ्ते बनाऊँगा कुछ। क्या बनाओगे? पोटैटोज और आई मीन फ्रेंच फ्राइज और चिकन देसी स्टाइल। मतलब चिकन रोस्ट? नहीं, स्टर फ्राइड होगा पोटैटोज के साथ, ठीक है, और देसी स्टाइल होगा, उसका गर्म मसाला होगा। हमजा तुम्हारे पास सिर्फ 3-4 दिन रह गए, देन यू आर गोइंग, और इसलिए फिर अभी बता दो कि वो आपने देसी स्टाइल वाला चिकन कब बनाना है। जी वो इस वीक डे बना लूंगा, इस वीक डे कल बना दें या परसों? परसों बना रहे थे। ठीक है, ओके गाइस, फिर आप लोगों को परसों जो रेसिपी मिलेगी वो हमजा बनाएगा, और वो देसी स्टाइल चिकन होगा विद फ्रेंच फ्राइज। जी ठीक है, और उसके बाद आपने भी कुछ बनाना है? जी क्या वो हम तो मुगरे लेने गए थे लेकिन मिले नहीं है। अच्छा, वो ढूंढने पड़ेंगे। और कोई सब्जी देख लें, आप सब्जी बनाना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम वेजिटेबल। चलिए जी, सब्जी सबके लिए अच्छी भी होती है, सेहत के लिए। हाँ जी ठीक है। आप ये बताएं कि हमें जो 23 मार्च को छुट्टी मिल रही है। जी जी, 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को अकरारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तुम्हें पता है। जी ठीक है, और हमजा तुम बताओ क्या हुआ? रेजोल्यूशन बनाई थी और लाहौर की और पाकिस्तान एक ने, हाँ मैंने गूगल में पढ़ा था कि लाहौर कुछ रेजोल्यूशन पास हुई है, और फिर पाकिस्तान बिकेम अ नेशन आइडेंटिफाइड। या दिस इज अ करेक्ट आंसर। अभी आप लोग जरा चुप करें तो मैं रानी से पूछती हूँ। रानी, 23 मार्च को क्या हुआ था? ये जो 23 मार्च आ रही है, परसों 23 मार्च को क्या हुआ था? क्यों ना आ रहे हैं? अच्छा, आप इशारे करके ना बताओ। हाँ जी, 23 मार्च को क्या हुआ था? पता नहीं, मुझे याद नहीं है। ये पाकिस्तान में रहे ही। तो मैं इसको ना भेज दो कहीं बाहर के मुल्क। पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। हाँ जी, ये पाकिस्तान मारा जुद में है। ये मुझे नहीं, सॉरी, ये कायद आजम को सॉरी करना पड़ेगा तुम्हें। ये आपकी लकड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, दिखाएं जरा साइड पोज। Oh my God! Backside. Everyone is so impressed. ये कहाँ से करवाई है? नहीं कोई impressed नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ये आपने कहाँ से करवाई है? मैंने खुद बहुत सालों से मैं खुद कर रहा हूँ। वैसे वाकई हमजा ट्रिमर के साथ, मगर एक और ट्रिमर चाहिए होगा इससे कि वो बैटरी खत्म होगी। ओके। और चार्जर यूक्रेन में पड़ा है। But it looks neat. बहुत neat और बहुत stylish लगते हैं। वैसे मैंने सोच लिया और एक ही खुद किया ये, उसने नाइले की है। हनुक ने पहले नोटिस किया था एक मिनट में। और मैंने नहीं, मुझे मैं आई थॉट कि आपने किसी अच्छी सी सैलून से करवाई है, लेकिन चलो अच्छी बात। नमक मिर्च डाली ही है ना? ये क्या है? ये अचार गोश्त मसाला। ये देखिए, मुझे लेना पड़ेगा। ये अचार गोश्त मसाला, ये डाल दिया, और ये देखें कितना अच्छा नाइसली मैंने इसको भून लिया। अचार गोश्त मसाला ये बहुत जरूरी है, बहुत जिंदगी में। आउच, बस ये मैंने एक ही लेके जाने है। करना है कि ये मसाला कौन सा है, आप बता, दिखाओ तो ना। और मैंने देख लिया, ओ मुझे उर्दू में पता भी नहीं है। चलो ठीक है, फिर सूंघ के बताओ। क्या है, दिखाएं?
यार यूक्रेन में होता ही होगा। दिखाएं दिखाएं आप इनको। पता नहीं लिखा भी है इधर कसूरी मेथी भी। हाँ क्या है ये पता नहीं क्या है मिक्सचर होगा ली बहुत हर्ब्स। नहीं ये हर्ब है और ये मतलब कसूर में होती है एंड इट इज वेरी मतलब अच्छी इसका स्मेल है और ये चिक पीस वगैरह चनों शनों में डलती है मेथी कसूरी मेथी। तो ये इधर हमारा गोश्त जो है ये रोस्ट हो गया काफी अच्छा बस और एंड में हम इसमें डालेंगे दो तीन चीजें थोड़ा सा और भून लूं अचार गोश्त की फाइनल लुक में दिखाती हूँ। रानी ये ढक्कन जरा आराम से उतारें। नहीं गरम है वो ले लो कि गरम है बहुत। आप देखें कि ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मैंने इसको चूल्हे से उतारा है लेकिन अभी भी ये पक रहा है। ए निकाले ये देखें ये चूल्हे पे नहीं है ये टेबल पे है फिर भी आप देखें कि ये अभी तक ये इतना अच्छी मतलब एक हांडी कह लें या देचका कह लें ये अभी भी इसमें खाना पक रहा है और सिमर हो रहा है। अच्छा बेटा खाओ मैं भी खा लेता लेकिन बेटे मैं तो आपको पता ना क्यों नहीं खा रहा। आई कांट डू ओवर ईटिंग अभी थोड़ा सा गर्म करो और ठीक है फॉर फ्यू मंथ्स आई हैव टू बी केयरफुल। हाँ जी मुजीब इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मुजीब का रिसेंटली जो है वो गॉल ब्लैडर निकल गया है तो इसलिए आई एम वन ऑर्गन लेस सो निकाल दिया गया है तो इट इज एडवाइजेबल टू टेक सम। तो ये देखिए जी हमारे गोश्त भी दिखा दें अचार गोश्त है और इट्स वेरी यमी लुकिंग खाना। बेटे इसको कवर नहीं किया कवर कवर कर ये तो चावल ही है। हाँ वो चावल यार एक्चुअली उछल रहे हैं। तो ये देखिए मुझे ये है मेरा अचार गोश्त और चावल का पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखे। यम्मी मजा आ गया अच्छी सी बूटी लेते हैं अच्छे से नवाला लेते हैं और एक वो जो दिया खाएंगे अचार नहीं मिर्च नहीं मेरी बैठ कर मिर्च खाओगे बेटे जी। यू लव मिर्च ही इज अ मेक्सिकन। नहीं 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 व्हाट अबाउट द यूक्रेनियन यूक्रेनियन तो मिर्च नहीं खाते बिल्कुल भी नहीं खाते। आई नो इट दैट इज व्हाई दे डिसओन हिम दैट्स व्हाई दे फूड इज सो बोरिंग। अच्छा दे आर नॉट फॉर एनी गुड फूड। तो अचार गोश्त हमारा रेडी हो गया तो है। तो कैसा बना अचार गोश्त? बहुत अच्छा बना है मुजीब। व्लॉग काफी मैंने लंबा कर दिया है। कोई बात नहीं छोड़ो बात आगे पीछे हो जाए तो लेकिन अभी हम जा रहे थे चाय खाना तो चाय खाना का मेरे ख्याल में मिस नहीं करना चाहिए वो कल के व्लॉग में होगा तो डोंट मिस कल का व्लॉग। वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन और टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और हाँ कल या परसों मैं लगा दूंगी रमज़ान की क्या रूटीन हुआ करेगी ऑफ कोर्स सहरी और इफ्तारी का ही डिटेल हुआ करेगी। आज मैंने अचार गोश्त की बहुत डिटेल्ड रेसिपी नहीं बताई लेकिन रमज़ान में जो भी होगा वो आपको डिटेल में पता लगता रहेगा। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग कल तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ डोंट मिस लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन तो दबाना ही दबाना है। टेक केयर अल्लाह अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।